प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का व्यापक असर हरियाणा में भी देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का व्यापक असर रहा। बाजार, हाट, मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल तथा ग्रामीण अंचलों में भी, सड़क व चौराहों पर, कृषि क्षेत्रों में भी, कस्बों में पूरी तरह से दुकानें बंद रहीं, पूरी तरह बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। जनता द्वारा प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान का जनता कर्फ्यू का दायित्व जनता ने बड़े ही बखूबी के साथ निभाया। बाजारों एवं सड़कों पर घोर सन्नाटा रहा, आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहा। हमारे संवाददाता पुनीत गोयल ने जानकारी देते हुए सोहना से बताया कि सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर ताली थाली बजाकर सभी का, अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। नमस्ते, इस वक्त हम खड़े हैं सोहना की सिविल कॉलोनी में, जहां आप देख सकते हैं कि शाम के 5 बज चुके हैं और लोगों ने जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उसका कैसे सम्मान किया। और 5 बजने पर जो मतलब कि सरकारी कर्मचारी, दमकल विभाग और पुलिस विभाग का जो अभिवादन कर रहे हैं लोग, उस वजह में हम सोहना की सिविल कॉलोनी पहुंचे, लोगों से पूछते हैं कि किस प्रकार लोगों ने अभिवादन बजाई है, किस प्रकार से लोगों ने अभिवादन किया है। इस वक्त हमारे साथ सोनाबार के प्रधान देवदत्त शर्मा जी, जो पार्षद भी है सिविल कॉलोनी से, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से उनका आह्वान किया। सर, आज जनता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता आह्वान का वो किया था कर्फ्यू का आह्वान, किस प्रकार से लोगों ने उनका आह्वान किया और किस प्रकार से सरकारी कर्मचारी का धन्यवाद कर रहे हैं, थाली बजाकर कुछ बताएंगे? थोड़ी दूरी दूरी बढ़ाकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का जो ऐलान किया था, जनता ने पूरी तरह प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया, अपने देश के लिए अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए आज पूरी तरीके से सब लोग अपने घरों में रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी ने अपने अपने घरों में बंद रहकर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है। सर, देख सकते हैं कि जैसे हमारे साथ पुरान किराना व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान बालकिशन गोयल भी हैं, ये बताइए कि बाजार को किस तरह से पूर्ण रूप से बंद किया गया था, बताइए किस प्रकार से बाजार को पूर्ण रूप से बंद था, मतलब कि कोई बंदा बाजार में नजर नहीं आ रहा था। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कल 22 मार्च के लिए बंद का ऐलान किया था, जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, जनता ने प्रधानमंत्री जी की बात को सिरे चढ़ाते हुए और कोरोना को भगाते हुए आज पूरे देश ने, मैं तो कहूँगा पूरे देश ने और सोहना ने तो विशेष बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। हमारे बाजार से एक भी दुकान, किसी भी प्रकार की कोई दुकानें नहीं खुली है और लोगों का जज्बा इसके प्रति देखने को मिलता है। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि जैसे हमारे लोगों में जज्बा है, यही जज्बा इस कोरोना को भगाएगा और इसका कोई इलाज नहीं, हमारा जज्बा इस बात के इलाज रहेगा कि भगवान की हमारे शहर पर अशीर्वाद। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार, मतलब सोहना में जनता कर्फ्यू के आह्वान पर सभी लोग अपने घर में रहे थे और उसके बाद 5 बजने पर लोगों ने तालियां बजाकर, थाली बजाकर इसका आह्वान किया, सरकारी कर्मचारियों का धन्यवाद किया। और इस समय हमारे साथ सर आरएसएस के संरक्षक भी है और सदस्य भी है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता। हम भाई साहब से पूछते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से आज सुबह हवन भी कराया था, इन्होंने अपने यहाँ पे किस प्रकार से इन्होंने किया था, सब बताएंगे कुछ। हमने जो हमारे सरकारवा जोशी जी हैं, उनकी तरफ से ये किया आया है कि अगर साका लगानी है तो 6:30 बजे तक विक्रय करनी होगी, मगर हमने अपने अपने घरों में जो अपने स्वच्छ रखे हैं अपने प्रार्थना करिए और हमने साका भी नहीं जलाई और हमने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक महायज्ञ का आयोजन किया अपने घर में। और जो अपने रिश्तेदार, जो अपने मिलने वाले सभी से ये आह्वान किया कि सभी अपने अपने घरों में हवन करें, अगर जिस पे हवन भी नहीं होता है तो वो 11 या 21 गायत्री मंत्र का जाप करें और सामग्री डाल के हवन करें। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार सब लोग कह रहे हैं कि सोहना में एक गांव में लॉकडाउन होने वाला है, अगर लॉकडाउन की प्रक्रिया हरियाणा में बनी, 7 जिलों में कह रहे हैं कि गुड़गावा, मेवात, सोनीपत, पंचकुला, पानीपत इनमें बनने वाली है, तो किस प्रकार से अगर लॉकडाउन हुआ तो लोग सहयोग कर पाएंगे, तो पूछते हैं प्रधान जी से। इन्होंने अपने वर्क का, बार का वर्क जो है सस्पेंड किया हुआ, प्रधान जी अगर जो वर्क अगर सस्पेंड हुआ है, अगर यहाँ पे मतलब लॉकडाउन हुआ हरियाणा जिले में तो मास्क है ना बाजार में खत्म करे, मतलब रुमाल लगा ले, बस रुमाल बांध ले, बिल्कुल पूरी तरह से संभव हो पाएगा। हम सभी लोग कोरोना वायरस का जो डर है उसको भगाने में पूरी तरह अपनी सरकार के साथ, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ, और मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, लॉकडाउन का असर लग जाएगा, दिहाड़ी कमाने वाले लोगों पर होने वाला है। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार रहता है जो रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा की कमाई से अपना परिवार चलाता है, तो उसकी हेल्प जरूर करें, इन मुश्किल के दिनों में सब एक दूसरे का सहयोग जरूर करें, मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे थे TV1 इंडिया न्यूज के लिए, हमारे संवाददाता पुनीत गोयल के साथ शुभम सिंगला।